यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जौनपुर जिले की अहम भूमिका सामने आ रही है। एसटीएफ की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि पेपर लीक और उसके वायरल होने में जौनपुर कनेक्शन सबसे अहम। पेपर लीक में मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में शामिल गैंगों से लेकर बिहार के कुख्यात रंजीत डॉन गैंग के लोग शामिल थे। एसटीएफ हरियाणा में सक्रिय लोगों पर भी नजर रखे हुए। आरोपितों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि पेपर लीक का केंद्र एक ही था और उसे कई लेयर में अलग अलग एजेंटों के जरिए बेचा और वायरल किया गया है। पड़ताल इस बात पर केंद्रित है कि विभिन्न लेयरों की जांच करते हुए मुख्य आरोपी तक पहुंचा जाए। एसटीएफ व यूपी पुलिस द्वारा जौनपुर से गिरफ्तार सभी आरोपितों का ब्यौरा विशेष रूप से खंगाला जा रहा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक यहीं से हुआ है। एसटीएफ इस मामले में एमपी से लेकर बिहार के गैंग को खंगाल रही है। दरअसल झांसी में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार रजनीश रंजन बिहार के कुख्यात गैंग